हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड। माई सेल्फ मंजू बाला यादव, आई एम टीचिंग यू केमिस्ट्री। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पहले की वीडियोस देखी हैं और अगर नहीं देखी हैं तो आप जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप वो वीडियोस नहीं देखेंगे आपको आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। आज हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले मेन तीन फैक्टर होते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके पास, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। ये तीन फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये हुआ, अगर आपका इलेक्ट्रोड चेंज हो रहा है, एक कॉपर का है, दूसरा जिंक का है, फिर सिल्वर का है, इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा ही होगा। दूसरे दो फैक्टर जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और टेम्परेचर का इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होगा, ये समझाया था एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से नर्स साइंटिस्ट ने। इसे हम कहते हैं नर्स इक्वेशन। देखिए, नर्स इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। मान लीजिए आपके पास ये एक हाफ सेल है, कौन सा हाफ सेल है, मेटल आयन इज इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल। हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इस बात को आप ध्यान रखिए, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मैंने रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही सिंबल लिखा, बिकॉज मेटल आयन गेट कन्वर्ट इनटू द मेटल ड्यू टू द रिडक्शन रिएक्शन। यानी अगर आपके पास ये इलेक्ट्रोड है, ये आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द मेटल आयन एंड इलेक्ट्रोड मेटल, मेटल इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल आयन, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड का, इस हाफ सेल का हमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन वन मोलर होता तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन वन मोलर होता और आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते 298 केल्विन पर, तो क्या है वो, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसमें है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है। लेकिन मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी है, 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर, 0.5 मोलर, तो क्या इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज होगा, क्या इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से चेंज होता है, वो इफेक्ट आपको बताएगा नर्स इक्वेशन, ठीक है। देखिए क्या कहता है नर्स इक्वेशन, किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन रिएक्शन लिखे पर, किसी भी हाफ सेल की रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन ही क्यों मैडम, कभी ऑक्सीडेशन क्यों नहीं लिखोगे आप। ऑक्सीडेशन हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कौन सा पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, रिडक्शन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेफिनेट उसकी रिएक्शन भी कौन लिखेंगे हम, रिडक्शन। मेटल आयन इन द एक्वेस फॉर्म, मेटल आयन एक्वेस सॉल्यूशन है, रिएक्ट विद द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मेटल सॉलिड, ओके, मेटल सॉलिड। आपको पता है कि मेटल सॉलिड स्टेट में है, हमने ये प्लस वन में देखा है प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और प्योर गैस का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन वन लेते हैं हम लोग, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और प्योर गैस, है तो उसका प्रेशर, अगर गैस है तो प्रेशर लेंगे भाई, ठीक है। प्योर गैस अगर दे रखी है, दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो हम कितना लेंगे भाई, 1 एटमोसफेयर। अगर कॉन्सेंट्रेशन लेना है गैस का तो भी कितना लेंगे, 1 मोलर लेंगे। तो ये कह रहा है आपके पास ये इलेक्ट्रोड है, ये हाफ सेल है, इसमें ये रिडक्शन रिएक्शन हुई, तो नर्स इक्वेशन ने ये कहा द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड
इज इक्वल टू इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस प्लस, ध्यान देना मैंने प्लस का साइन यूज किया है, 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इस रिडक्शन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोड की रिडक्शन रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रो रिएक्टेंट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नट्स ने दिया था इसी को कहते हैं नट्स इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, जहां पर R की वैल्यू फिक्स है बेटा, R की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर की वैल्यू हम अगर फिक्स कर दे, ये इक्वेशन बता रहा है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ईएमएफ ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये पूरा टर्म इंक्रीज होगा, ये पूरा टर्म इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड के टर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नट्स इक्वेशन गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेकेंड इसने इंफॉर्मेशन ये दी कि इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज, तो ये वाला पूरा टर्म इंक्रीज होगा, ये टर्म इंक्रीज होगा, तो राइट हैंड साइड वाले टर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? तो इस इक्वेशन ने हमें क्या बताया, इस इक्वेशन में हमें ये बताया रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा हमें ये बताया रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। ठीक है, यहां पर किस इलेक्ट्रोड की बात करी मैं, मेटल आयन इज इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल, इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस हाफ सेल का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल आयन के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखिए अब R की वैल्यू हमने ये ले ली, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती, ले ली क्या होती है R की वैल्यू, ये टेम्परेचर मान लीजिए हमने फिक्स कर लिया 298 केल्विन, फैराडे F की वैल्यू 96,500 कूलम, और N की वैल्यू मैंने आपको बार बार पिछले वीडियोस में कैलकुलेट करना सिखाई है, दैट इज N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन द रिडक्शन रिएक्शन और लॉस्ट इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो यहां पर n की वैल्यू क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है n की वैल्यू। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट क्या होगी, ये तो वैल्यू चेंज होती रहेगी, अगर नेचर ऑफ मेटल आयन चेंज हो गया तो आपके पास n की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज तो फिक्स है, r की वैल्यू, t की वैल्यू, f की वैल्यू, ये फिक्स नहीं, बाकी सब फिक्स है। अगर इन सब कॉन्स्टेंट वैल्यू को मैं रख दू तो इक्वेशन आ जाएगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल प्लस, ये सारी वैल्यूज पुट करने से ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। ओके, क्योंकि सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या ले लिया बेटा, वन ले लिया, इसका मतलब ये कह दिया उसने कि किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, आपको पता है हर इलेक्ट्रोड की ये वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है कि नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड की कॉन्स्टेंट है, जो हमें कहां से पता चलती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलती है। कैसे पता की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने भी भाई कैलकुलेट करके पता की, वो मैंने बताया था आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग द रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या इक्वेशन क्लियर हुआ आपका, आप जरा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे चलते हैं। अब मैं आपको बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स दूंगी, ठीक है, और उन इलेक्ट्रोड्स के उन हाफ सेल की रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, बाय यूजिंग द नर्स इक्वेशन। एग्जाम्पल है आपके पास, कैलकुलेट द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन इन कॉन्टेक्ट विद द जिंक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इज 0.1 मोलर। कहा इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, किसका, जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड किसके कॉन्टेक्ट में है, जिंक आयन के कॉन्टेक्ट में है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन जिसमें भी जिंक आयन है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, और जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, 1 मोलर नहीं है, 0.1 मोलर है, इज इट क्लियर। 1 मोलर होता तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता। तो ये जो इलेक्ट्रोड दिया है, नर्स इक्वेशन कहता है पहले इसकी रिडक्शन रिएक्शन लिखो कि इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी। इस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन रिएक्शन ये है। मैडम रिडक्शन ही क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं भाई, ओके। इसके बाद हम देखेंगे इसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द नर्स इक्वेशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जिंक सॉलिड है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, प्योर मेटल सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 मोलर, इज इट क्लियर। तो बताइए इसकी वैल्यू फिक्स है, याद होगी आपको, -0.76 प्लस 0.0591 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिडक्शन टू लॉग ऑफ जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 डिवाइड बाय 1, इज इट क्लियर। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड का, इसका हो जाएगा -0.76। देखो इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम लोग 0.06 लिख देते हैं, लॉग ऑफ 0.1 मतलब 10^-1। ये कैलकुलेशन करना आता है आपको, -0.76 प्लस 0.03, ठीक है, इनटू -1 लॉग 10। आपको पता है ना लॉग ऑफ ए की पावर बी, ये रूल लगाया मैंने, लॉग ऑफ ए की पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए। अंडरस्टूड। तो आपके पास ये आ गया रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। इससे ये प्रूव हो गया क्या, जैसे जैसे जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड दिस हाफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, इज इट क्लियर। हमने जो ये वैल्यू दी है नर्स इक्वेशन की, ध्यान रखना ये जो इक्वेशन लिया है नर्स इक्वेशन का, इसमें हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया है, कॉन्स्टेंट, कितना ले लिया है 298 केल्विन। दिस नर्स इक्वेशन फॉर द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एट 298 केल्विन, ओके, ठीक है। चलिए अब हम एक गैसेस इलेक्ट्रोड लेते हैं। गैसेस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, गैसेस इलेक्ट्रोड में अगर अगर किसी भी गैस का, क्लोरीन या हाइड्रोजन गैस जो भी है गैस के इलेक्ट्रोड, अगर उसका प्रेशर नहीं दिया तो हम उसका प्रेशर 1 एटमोस्फेयर या 1 बार क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेशर दे दिया तो हमें वही पुट करना है जो दे रखा है। देखिए आपके पास एक इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, 3-4 मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नर्स इक्वेशन से कैलकुलेट करना आ गया तो फिर हम करेंगे क्या, फिर हम करेंगे सेल का ईएमएफ, ठीक है। चलिए ये आपके पास ये इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस इज इन कॉन्टेक्ट विद H+ आयन एक्वेस, H+ आयन एक्वेस का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 होगा और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर गिवन 0.8 बार। नहीं दिया होता तो हम लोग 1 एटमोस्फेयर ले लेते, प्योर गैस से प्रेशर 1 एटमोस्फेयर 1 बार, इज इट क्लियर। लेकिन उसने दे दिया और कहा है कि कैलकुलेट रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड बाय यूजिंग नर्स इक्वेशन। ध्यान से सुनना, कैलकुलेट
रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड बाय यूजिंग नट्स इक्वेशन। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रोड की हमें रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा? रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी बताइए? इसकी रिडक्शन रिएक्शन होगी एच प्लस आयन टू इलेक्ट्रॉन लेता है और किसमें कन्वर्ट होता है? हाइड्रोजन गैस। मैडम ये टू क्यों हम वन से नहीं कर सकते? वन से भी कर सकते हो। वन से करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? हाफ आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आते हैं, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आते हैं, उसका क्या हो जाएगा? जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास इसमें नट्स इक्वेशन में, उन स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर लग जाएगी। ये इक्वेशन देखोगे आपके समझ में आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखा हमने? इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेटा रिडक्शन का सिंबल होता है ये एच प्लस आयन हाइड्रोजन गैस इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेटिनम इज इक्वल टू इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो भी है प्लस, मैंने आपको कहा था प्लस का साइन यूज करें हम लोग, 0.0591। ओके बेटा, 0.0591 कांस्टेंट, बिकॉज वी हैव टेकन द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। सो वैल्यू ए ऑफ आर टी एंड एफ इज टू, तो वी गेट द वैल्यू 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगेन आई एम टेलिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, बेटा जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसकी क्या लग जाएगी? पावर। ओके, डिवाइड बाय हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाएगा? प्रेशर, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, मान लीजिए यहाँ हाफ होता तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस की पावर क्या हो जाती? हाफ हो जाती। अंडरस्टूड? जो भी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स या प्रेशर के टर्म्स में जो आएगा उसकी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर लग जाएगी। ठीक है, तो बताइए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है इस इलेक्ट्रोड का? जीरो। प्लस इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट लिख लें 0.06। बताओ इस रिडक्शन रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए? टू। लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.01 की पावर 2। और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना दे रखा है? 0.2। इज इट क्लियर? सारी वैल्यू नोन है, बोली है कि नहीं? अब सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज कैसे करें? 0.03 लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 10 की पावर -4। ओके, 10 की पावर -2 ना, दैट इज ऊपर फिर 2 हो जाएगा, 10 की पावर -4, ये है 2 × 10 की पावर -1। ठीक है, ये ऊपर जाएगा फिर हो जाएगा 10 की पावर -3। अंडरस्टूड? अब इसे सॉल्व करेंगे, 0.03 लॉग ऑफ, बताओ लॉग ऑफ 10 की पावर -3 माइनस लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आपको याद है, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू पुट कर दो, 0.3010। ये क्या हो जाएगा? 0.03, ये हो जाएगा -3 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। ओके, तो ये हो जाएगा 0.03। ओके, माइनस में आ गए, कोई बात नहीं, माइनस में आने क्या दिक्कत है? -3 -0.3 -0.3010 जो भी आएगी वैल्यू दैट इज। समझ में आया? इस तरह से अगर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया जाए तो भी हम उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको नट्स इक्वेशन किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का निकालने के लिए क्लियर हुआ? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड, और इस तरह से हम लोग पूरे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करते रहेंगे। पूरे +1, +2 और 10th की केमिस्ट्री का सारा सिलेबस मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस मटेरियल विच आई एम प्रोवाइडिंग। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखिए, अब आपको किसी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, किसी इलेक्ट्रोड की रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है किसी हाफ सेल की, इलेक्ट्रोड मतलब हाफ सेल की रिएक्शन दे रखी है। बेटा वह रिएक्शन एक क्वेश्चन है, डाइक्रोमेटाइन एक्वे सोल्यूशन प्लस 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स क्रोमियम आयन +7 वोल्ट। दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन, नॉट रिडॉक्स। बेटा सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन किए, यूज थोड़ी किए हैं, ठीक है। तो दिखा रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो ये किसी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन रिएक्शन है। अब इस रिडक्शन रिएक्शन में आप ये देखिए, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से है, डाइक्रोमेट आयन है, H+ आयन और क्रोमियम आयन, ठीक है। इन सबका कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है, इन सबका कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास डाइक्रोमेट आयन 0.1 मोलर। इट इज गिवन दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज यूज इन द सोल्यूशन टू प्रिपेयर द डाइक्रोमेट आयन सोल्यूशन, दैट इज 0.1 मोलर। ओके, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है आपके पास, H+ आयन गिवन इज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज H+ आयन 0.2 मोलर क्रोमियम आयन। पहले क्रोमियम आयन का लिखिए, क्रोमियम आयन आपके पास है, क्रोमियम आयन H+ का 10^-4 मोलर, और क्रोमियम आयन का और लिख देते हैं जो भी दे रखा है, क्रोमियम आयन का है 0.2 मोलर। और आपसे पूछा है जिस इलेक्ट्रोड में ये रिडक्शन रिएक्शन हो रही है उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ। इट इज टोल्ड टू कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। ओके, इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या ये रिएक्शन जो हमें दे रखी है वो रिडक्शन है, डेफिनेट रिडक्शन ही है। एक बार ये भी चेक कर लेना, क्या ये रिडक्शन रिएक्शन दे रखी है बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट लगते हैं वो भी तो यूज होते हैं इसमें, नर्स इक्वेशन में, तो बैलेंस है। अब देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब आप मुझे बताइए इस रिडक्शन रिएक्शन वाले इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, डाइक्रोमेट आयन क्रोमियम आयन, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डाइक्रोमेट आयन क्रोमियम आयन, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, गिवन है। इसे क्लियर, मैं आपको बता दूंगी क्या वैल्यू दे रखी है, पहले आप इक्वेशन तो बताओ, +0.0591 ओके डिवाइड बाय, बताइए एन की वैल्यू कितनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज 6। लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साइड कौन कौन से हैं बताइए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब कई बुक में क्या कर रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो बेटा वो भी गलत नहीं है, उन्होंने ध्यान रखना यहाँ पर प्लस की जगह क्या यूज किया है, माइनस टर्म यूज किया, प्लस ठीक है, माइनस यूज किया तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट हो जाएगा, हम प्लस यूज कर रहे हैं। सिंपल सा सीधा इक्वेशन लिखते हैं, याद करने में आसानी होती है, रिएक्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट कितना है, डाइक्रोमेट आयन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन, दो इलेक्ट्रोलाइट है तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिडक्शन पोटेंशियल, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन की पावर 14 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमियम आयन की पावर। अब चलो पावर 14 देखते हैं, पावर 14, अरे मैडम ये तो गलत है, इतना बड़ा आंसर कैसे आ सकता है, कुछ भी रहे रिडक्शन रिएक्शन है, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर, तो पावर लगेगी चाहे 14 हो चाहे 10 हो चाहे कुछ भी, इज इट क्लियर। तो आप बताइए इसकी वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में, मैं भी देती हूँ, दिस वैल्यू इज गिवन 0.33 वोल्ट। ओके, द गिवन वैल्यू इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन 1.33 वोल्ट, नॉट 1.33। तो स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल इसकी दे दी 1.33, प्लस मैंने आपको कहा था इसको करने के लिए अप्रोक्सीमेट हम कर सकते हैं 0.06 डिवाइड बाय 6, लॉग ऑफ डाइक्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.1 इंटू 10^-4 की पावर 14, क्रोमियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 की पावर, डरने की जरूरत नहीं, बड़े आसानी से कैलकुलेशन होगा। ओके,
ये हो जाएगा 1.33 प्लस 0.01 log ऑफ, ये हो गया 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 14, कितना हो जाएगा बताइए, माइनस 56। यस और नो? माइनस 56 इंटू 10 की पावर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 57। आप इसे हम नीचे क्या लिख देंगे, 4 इंटू 2 की पावर 2, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, माइनस 2 यहां जाके फिर सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास बोलो कर सकते हो 0.01 लॉग ऑफ, ओके टेन, कुछ लॉग की वैल्यूज याद रहेगी, कुछ आपको क्वेश्चन भी दी रहेगी, चिंता मत करो, लॉग 2 लॉग 3 लॉग 5 की दो तीन वैल्यू याद कर लो, लॉग 10 की वैल्यू आपको पता है ये क्या होती है, 1 होती है, दैट्स ऑल। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 की पावर माइनस 55, ओके डिवाइड बाय 4, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1.33 प्लस 0.01 लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 55 माइनस लॉग ऑफ 4 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2, क्योंकि मुझे 2 का लॉग पता है, इज इट क्लियर, वैल्यू पुट कर दीजिए लॉग 10 की लॉग 2 की, ये यहाँ पर आ जाएगा और इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बोलो, ये हो गया रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड का, ठीक है। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकालने को देता है तो कई बार H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह पीएच दे देता है और उस पीएच की वैल्यू को देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसके बाद आपको नट्स इक्वेशन का यूज करके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने आ जानी चाहिए। देखिए आपके पास प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस H+ आयन, ओके, और यहां पर दिया है पीएच जो है 2 है, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 0.1 बार, अंडरस्टूड। हम लोग पीएच सीधा उसमें इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं क्योंकि लॉग ऑफ H+ आयन का माइनस बताइए, या फिर क्या करना, पीएच जो है उसे पीएच से ही इजी होता है मेथड, पीएच से क्या निकाल लीजिए, एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लीजिए, ठीक है, ये इजी है। तो पीएच 2 दे दी, आपको ये पता है बेटा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, अंडरस्टूड, पीएच 2 है 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, माइनस को यहां लाओ माइनस 2 एंटी लॉग, लॉग यहां आएगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग, इज इक्वल टू एच प्लस आयन, इतना तो याद होगा आपको, माइनस 2 का एंटी लॉग क्या होता है 10 की पावर माइनस 2, ओके, यानी H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया 10 की पावर माइनस 2। अब निकालिए, अब हम लिखेंगे इस रिडक्शन इलेक्ट्रोड, सॉरी इस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस, ओके, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H+ आयन की पावर 2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको कहा ना पीएच की वैल्यू सीधे भी पुट कर सकते थे, हम क्या करते हैं इसको माइनस लिखते हैं, माइनस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय लॉग ऑफ H+ आयन की पावर 2 नीचे आ जाता, उसको पीएच बना देते, या पीएच से क्या कर दीजिए H+ आयन निकाल दीजिए, बात तो एक ही है, इज इट क्लियर। तो आप देखोगे इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये 0 होता है, ये 0.06 ले लेंगे अप्रोक्सीमेट, तो 0.03 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा भाई, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 की पावर 2, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 0.1 कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अंडरस्टूड। तो ये पहला आज किया हमने नट्स इक्वेशन का यूज करके किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि नट्स इक्वेशन का यूज करके हम सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं कि जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, या 0.3 मोलार जिंक आयन है कॉन्सेंट्रेशन, जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो बताइए नट्स इक्वेशन है, हमने बताया कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड का जिंक आयन के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा और इसका क्या होगा बेटा कम होगा, क्योंकि जब इस इलेक्ट्रोड बेटा किसी भी इलेक्ट्रोड का जब रिडक्शन रिएक्शन लिखते हो तो उस रिडक्शन रिएक्शन में जो भी टर्म्स रिएक्टेंट के साइड आते हैं, जो भी टर्म्स किसके साइड आते हैं रिएक्टेंट के टर्म्स, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, प्रोडक्ट के टाइप प्रोडक्ट के साइड जो भी आते हैं उनका क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को याद रखिए, जैसे आपने आप पहले अभी इसमें देख लो, आप बताइए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, भी एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड का इंक्रीज होगा, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर जितना बढ़ेगा क्योंकि ये क्या है प्रोडक्ट साइड में, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर जितना बढ़ेगा यानी ये वैल्यू बढ़ेगी, इज इट क्लियर, उतना ही रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।